जहां एक और खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार विधानसभा में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे, तो वहीं सदन के बाहर कांग्रेसी विधायक सत्र शुरू होने से पहले ही सीढ़ियों पर बैठकर धरना देने लगे। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है। इससे पहले ही विपक्ष के तेवर तल्ख हैं। विधानसभा में विधायक उमेश कुमार ट्रैक्टर में गन्ना लेकर पहुंचे और हरिद्वार में किसानों का ऋण माफी और उनको उचित मुआवजा देने की मांग की। उमेश कुमार ने कहा कि किसानों को 11,000 प्रति बीघा का मुआवजा दिया जाए और किसानों का बिजली और पानी का बिल भी माफ किया जाए। उमेश कुमार ने मंत्री सतपाल महाराज पर आरोप लगाते हुए कहा, मंत्री को जनता की कोई परवाह ही नहीं है। मैं सड़ी हुई फसल दिखाने के लिए सदन को सरकार को लाया हूं, ताकि इसको देखकर उन्हें एहसास हो कि किसान किस मानसिक अवसाद से गुजर रहा होगा। 1100 रुपये प्रति बीघा में तो एक ट्रैक्टर के डीजल का खर्चा नहीं निकलता। एक बीघे की जुताई में 11,000 रुपये प्रति बीघा हमको मुआवजा मिले, किसानों के बिल क्रेडिट कार्ड के बिल माफ़ हों, ऋण माफ़ हो, बिजली पानी के बिल माफ़ हो, हमारे क्षेत्र के जो तटबंध टूट गए हैं उन तटबंधों को मजबूत किया जाए, ताकि अगली बार हम ऐसी बाढ़ की आपदा से ना गुजर सके। माननीय सिंचाई मंत्री जी हमारे क्षेत्र में आए, कैंप करें, हमारे क्षेत्र की स्थिति को समझें, हमसे बात करें, तब जाकर हम तब मानेंगे, वरना हमारा संघर्ष अभी तो सदन पे है, उसके बाद ये जमीन पर इनके खिलाफ संघर्ष होगा। और मैं भी देखता हूँ ये क्या हजारों करोड़ का नुकसान है, लोग बेघर हो गए, तराई माह में लोगों की मौत हो गई हृदयघात से अपनी जमीनों की स्थिति देखकर। उधर विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के तमाम विधायकों ने सत्र के बाहर सीढ़ी पर धरना देकर सरकार पर आरोप लगाए। कांग्रेस विधायकों ने जहां एक ओर हरिद्वार क्षेत्र में आई बाढ़ को लेकर उन क्षेत्रों को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग की, वहीं सदन की कार्रवाई को और अधिक दिनों तक चलाने की मांग भी की है। देखिए, आज हमारे प्रमुख विषय हैं, जैसा मैंने लगातार कहा है कि पूरा प्रदेश में एक डर का माहौल है और अतिक्रमण के नाम पर लोगों के घर, दुकान, ढाबे, होटल्स को तबाह किया जा रहा है। लोग यहाँ तक कि अब लोग डर की वजह से खुद घरों को, दुकानों को तोड़ रहे हैं। और जो कोविड काल में जो नौजवान रोजगार बाहर करते थे, वो आज उत्तराखंड पर आकर उन्होंने अपना कारोबार, अपना रोजगार तलाश भी किया और अपना काम करना शुरू किया। आज उन पर भी संकट है, जो 50-50 साल से बसासत है जिनकी वन भूमि क्षेत्र में, बेनामी जमीन में, सरकारी जमीन में जो काबिज हैं, आज वो भी डर के साए में जी रहे हैं। पूरा उत्तराखंड, चाहे तराई हो, चाहे भावर हो, चाहे पहाड़ हो, एक ऐसा माहौल तैयार हो गया है जिससे कि लोगों में आशंका है हमारी ज़मीन को, हमारी रोटी को, हमारी रोजी को छीनने का सरकार कोशिश कर रही है, छीनी जा रही है। और मेरा मानना है कि जो सरकार रोजी नहीं दे सकती, रोटी नहीं दे सकती है, उस सरकार को कोई हक नहीं है कि वह इनकी, हमारे जनता की रोजी रोटी को छीने। माननीय उच्च न्यायालय ने एक डायरेक्शन दिया है, मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन सरकार ने कोई पैरवी नहीं की। सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में जाना चाहिए था, मजबूत पैरवी करनी चाहिए थी, पीड़ित परिवारों का पक्ष रखना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया है। विधेयक लाते, कानून बनाते इस सत्र में, और आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है। वैसे तो उत्तराखंड मुद्दों की भरमार है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन की समय सीमा कम कर मुद्दों को दबाना चाहती है, सरकार असच्चाई से भागना चाहती है। हमने कल भी एक नारा दिया था, भाजपा सरकार उत्तराखंड की आवाज मत दबाओ, सत्र की सीमा बढ़ाओ, सत्र का समय बढ़ाओ। हम ये कहना चाहते हैं, आज जो अतिक्रमण का बुलडोजर बिना नोटिस बिना कुछ जाने सरकार अधिकारियों कर्मचारियों के संरक्षण के लिए कोर्ट को हमने जवाब देना है करके निकल पड़ी है बुलडोजर लेके। वर्षों से, पीढ़ियों से लोगों को बैठे हुए, जो घरों आशियानों को रोजगार के, जो हमारे दुकानें उनको तोड़ने का काम कर रही है, उस पर बात करेंगे। आपदा, पिछली आपदा का मुआवजा मिल नहीं पाया, दोबारा आपदा आ गई। सरकार आपदा में बड़े बड़े वादे तो करती है, डबल इंजन के सरकार की बात तो करती है, लेकिन आपदा के नाम पर कहीं भी राहत पूरे प्रदेश में सरकार नहीं दे पा रही। बेरोजगार युवा सीबीआई की मांग को लेकर 6 महीने से धरने पर बैठा है।
कोविड कर्मचारी 6 महीने से 2 महीने से धरने से 50 दिन से अमलन सर पर बैठे हुए, तो ये सरकार हर जगह असफल है। आज भू कानून में पूरा प्रदेश लामबंद हो रहा है, लेकिन सरकार को कुछ नहीं सुनना। उत्तराखंड को बेचने में आमदा है, ऐसा लगता है कि सरकार इन अधिकारियों के सामने जो है नतमस्तक हो। मंगलवार को शुरू हुए विधानसभा सत्र के दौरान भी विपक्ष सत्र की अवधि को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सदन की अवधि कम रखकर जनता के मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती। बताते चलें कि सरकार ने 8 सितंबर तक सदन की अवधि रखी है, जिसमें अनुमानित 11,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पास किया जाना है। वहीं एक दर्जन के करीब विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे।